Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. यहाँ पर अब ये प्राइसिंग का आ गया है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, स्टार्टर लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैं स्टार्टर की स्टार्टर पैकेज है, ये मीडियम है एंड दिस वन इज प्रो कर देते हैं इसको, ठीक है। इस तरह इन ये जितने भी यहाँ पर आपने खोले हुए हैं ना, इनमें से अगर आपको यहाँ पर कुछ नजर आता है अच्छा सा, इनके पैकेजेस आप देख लें। यहाँ पर ये देखें, ये इसने पैकेजेस डाले हुए हैं। आप इनके पैकेजेस को देखते हुए अपने हिसाब से पिक साइज, पिक आप ऐसा करें कि आप कोई भी पिक उठा लें। जैसे मेरी गिग्स में सिंपल पिक्स लगी हुई हैं, आप कोई भी पिक उठा लें और उसको वहां पे डाल दें, जो भी साइज मैच कर जाए वहां पे। और सैंपल वर्क मोस्टली डालना नहीं होता, मैंने तो नहीं डाला हुआ बाय द वे, लेकिन ये है कि यहाँ पर अच्छा ऐसा हो गया कि आगे ये अच्छा, यहाँ पर मैं सारी चीजें फिल करके देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन वाला आ जाएगा सीन। अच्छा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन का यहीं से बता देती हूँ कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखने लगेंगे, अभी आप सिंपल कंटेंट में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो आपको बताया ना, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ये आप लोग अभी लिख सकते हैं। जिन्होंने भी जिनका भी मैंने कहा है ना, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, आप सब अभी ब्लॉग पोस्ट पे लिख सकते हैं अभी। आगे मैं आपको क्रिएटिव बताऊंगी ना, आप या सिर्फ क्रिएटिव में बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि आपने अभी अपने आर्टिकल में ये चीज शो किया। अच्छा डिस्क्रिप्शन में आपको बता रही हूँ, आप सबको ये चीज बहुत गौर से सुन लें कि ऐसा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो गिग्स मैंने खोली हुई है यहाँ पर, आप देखें कि आपके जो आप बताना चाह रहे हैं उससे मैच करता है। आप ये नीचे देखें, जो भी इसने लिखा हुआ है ना, मैं बहुत स्पेशलाइज राइटर हूँ आपकी सर्विस पे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो भी चीज इसने डाली हुई है, ठीक है। आप क्या करें कि यहाँ से थोड़ा सा इसका पार्ट जो आपको अच्छा लग रहा है वो कॉपी करें, अपनी गिग में डाल दें, एंड देन थोड़ा सा इसका पार्ट यहाँ से जो आपको मतलब जो आपको लगता है कि आपको भी मैच कर रहा है वो यहाँ से उठाएं, अपनी गिग में डाल दें एक ही गिग में, और देन यहाँ से आपने इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उठा लें और उसमें डाल दें अपने आर्टिकल में, वो अपने गिग में, ठीक है। और देन यहाँ से थोड़ा सा ले लिए जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा इस बंदे लिखा है, थोड़ा थोड़ा, ये एक ट्रिक है। आप थोड़ा थोड़ा लेंगे उनके उसमें से, अगर आपने एक ही गिग को कॉपी किया है तो आपकी वो गिग वो बंद कर देंगे कि इस बंदे ने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपने नहीं करनी, आप लोगों ने ये करना है कि आपने यहाँ से थोड़ा थोड़ा इनका ये पार्ट उठाना है और अपनी गिग में डाल देना है, तो दो चार गिग्स का मिला के आपकी एक गिग का बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने बाकी सारी चीजें कर दी। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने दूसरों के देख के करने हैं, प्राइसिंग आप दूसरों की देख के कर लें, और डिस्क्रिप्शन में आपने ये लाजमी लिखना है कि आप पहले से काम कर रहे हैं अपवर्क फ्रीलांसर या दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म पे आप लोग काम कर रहे हैं। और यासिर मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगी ना आपको जब उसके बारे में, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तलहा ब्लॉग का ये होता है कि कुछ एंटरटेनिंग टाइप हम उसमें लिखते हैं, आर्टिकल का ये होता है कि हम किसी भी हवाले से उस तरह से लिख सकते हैं। ब्लॉग में ये होता है ना कि जैसे एक मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखी है किसी भी हवाले से, तो वो मैंने बहुत सी एंटरटेनिंग टाइप लिखी हुई है, उसमें कोई भी बंदा जो है वो उस चीज को खरीदने नहीं आ रहा या किसी भी चीज किसी सर्विस के लिए नहीं आ रहा, लेकिन आर्टिकल्स किसी सर्विस के लिए भी होते हैं। इस तरह ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइटली, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी जी। बिल्कुल बेशम आप लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है। अच्छा ऐसा हो गया कि आपको गिग बनाने का पता चल गया, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर और गिग्स में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर है फिर डिस्क्रिप्शन आपने डाल देनी है थोड़ी सी, और रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट में आपने ये लिखना है कि रिक्वायरमेंट में आप जब उस बंदे को आप बता रहे हैं कि जब वो आपकी गिग ऑर्डर करेगा तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो आप उसमें ये लिख दें कि मुझे बहुत क्लियर आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो मैं मतलब मुझे समझ आ जाए और मैं आपका काम स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि मोस्टली ये भी होता है जब आप काम स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये भी होता है लोग आपके गिग को आके डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, वरना आप कस्टम ऑर्डर भी करते हैं। देन गैलरी में आपने तस्वीरें डालनी है और देन उसको पब्लिश करना है। ये नहीं करना कि उसको पूरा करके एंड पे पब्लिश नहीं किया, पब्लिश लाजमी करना है, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।